नासदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। फ्रांसीसियों को हराकर, मैदान से भगाकर और बंगाल पर कब्जा जमाने के बावजूद दक्षिण में अंग्रेजों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मैसूर के हैदर अली उनके सख्त मुखालिफ थे। हैदर अली एक गैर मामूली इंसान था जिसने काबिले जिक्र किरदार निभाया। उसे हिंदुस्तानी कौमियत का एहसास था, वो दूरंदेश था, इसलिए उसे औरों से पहले अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से खतरे का एहसास हुआ। 1769 में ऐन मद्रास की फसीलों के छाये तले हैदर अली ने अपने हक में अंग्रेजों से एक समझौते को मंजूर करवाया और उसकी मौत के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बदन में फंसे कांटे की तरह सताता रहा। We've managed to push Tipu into a corner, but this defeat isn't going to keep him quiet for too long. You mean to say, sir, that in spite of knowing our strength, he will try to attack us once again? At the first opportunity. Tipu and his father before him have forever failed to recognize the existence of the East India Company. But, sir, why don't we just crush him once and for all? No, that would only make the Nizam and the Marathas more powerful. We will impose such strict conditions on him that he will not have the strength to face us again. We will extract his teeth, one by one, and leave the tiger of Mysore toothless. Huzoor, Huzoor, Lord Sahib ne sulah ka paigham sunne se aur tohfe lene se inkar kar diya. उनका कहना है कि सुलह की बातचीत जंग के पहले हो सकती थी, अब नहीं। अब तो सुल्तान को उनकी शर्तें माननी होंगी क्योंकि जीत उनकी हुई है।
लगता है कॉर्नवालिस अमेरिका में अपनी शर्मनाक शिकस्त का बदला हमसे ले रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हमने अपने 3 जंगी जहाज भेजे थे जनरल वॉशिंगटन साहब के लिए। अब हमारी तबाही कॉर्नवालिस की आन की का सवाल बन गई है। अगर वो एक बात भूल रहा है, अगर अमेरिकन अंग्रेजों को अपने मुल्क से मारकर निकाल सकते हैं तो हिंदुस्तानी भी निकाल सकते हैं। एक ना एक दिन इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे, इंशाल्लाह। आज पहली रात होगी जब अंग्रेजी लॉर्ड आराम से सोएगा। पिछले 30 साल से मैसूर उसकी आंखों में कांटे की तरह खटक रहा है। 30 साल, 10 साल से हम और उससे पहले हमारे वालिद। हुजूर ये दवा ले लें, आराम आ जाएगा। कोई फायदा नहीं हकीम आगा, कोई फायदा नहीं। दुआ के वक्त ये दवा काम नहीं करती। मुझे उठाओ। हुजूर फोड़ा बहुत बड़ा है, भगवान ना करे कहीं फट गया तो। वो नहीं आ, मुझे सहारा दो, टीपू से जरूरी बात कहनी है। बाबा टीपू, बाबा टीपू बेटे, बाबा प्लाट पार कर चुका हूँ, मौत खड़े दस्तक दे रही है। वादा कर, वादा कर बेटा, मेरे बाद जब ये लोग मैसूर की बागडोर तेरे हाथ में दें तो तू अपने वतन से वफादार रहेगा और कंपनी के अंग्रेजों को ना आगे बढ़ने देगा ना आराम से रहने देगा। बेटा वो लोग हमारे मुल्क को लूटने आए हैं, उन्हें बाहर निकाल देना। और सुन, ये फ्रांस का बादशाह बहुत अच्छा है, इससे दोस्ती बनाए रखना, ये अंग्रेजों के खिलाफ तेरी मदद करेगा। और मराठा पेशवा को समझाना और उस कमकल निजाम को भी, ये अंग्रेज किसी हिंदुस्तानी के दोस्त नहीं। बंबई से अंग्रेजों ने कारवार की तरफ फौज भेजी है ताकि वो उत्तर कन्नड़ा और मालाबार पर अपना हक जमा सके। तुम उन्हें पालघाट पर रोक दो। नहीं बाबा, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? बेटा तुम्हारे यहाँ रहने से ये फोड़ा सूख जाएगा क्या? जाओ बेटा टीपू, तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में दिया, जा। हम चुप बैठेंगे तो अंग्रेजों को शक हो जाएगा। जाओ जाओ टीपू बेटा, जाओ। Gut could be sacked at any moment. Tipu's forces would be in the city within an hour or two. Sound the retreat. Sir. No, wait, wait. Huzur, हमारे सरों से साया उतर गया। बहादुर हैदर अली अभी दुनिया में नहीं रहे। आपके लिए जरूरी है कि आप श्रीरंगपट्टनम पहुंच जाए। जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाए। Tipu's forces are turning back. I wonder why. For all you know, sir, perhaps Tipu could be playing a trick. Let's find out.
हुजूर, फतेह अली टीपू सुल्तान बहादुर, वल्द हैदर अली बहादुर, नाजिमे मैसूर। चालीस दिन तक मरहूम हैदर अली बहादुर का सोग मनाया जाएगा। तब तक हम मसनत पर नहीं बैठेंगे। लेकिन आप सब लोग खड़े क्यों हैं? हमारे करीब आकर बैठिए, आइए। इस वक्त चारों तरफ लड़ाइयां, बगावतें और सियासी चालबाजियां हो रही हैं। हुकूमत संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, मगर अपने वालिद मरहूम की वसीयत को पूरा करना हमारा फर्ज है। उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बढ़ते हुए असर को खत्म कर दिया जाए और मैसूर को एक मजबूत और मिसाली रियासत बनाया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है। अंग्रेजों को निकालने के लिए हमें एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर और बाहर से और ताकतों की मदद लेनी होगी। दूसरे अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए हमें उनके तरीके इस्तेमाल करने होंगे। सनत और तिजारत को बढ़ावा देना होगा। बाहर के मुल्कों से अपने ही जहाजों में माल भेजना लाना होगा, अंग्रेजों को बीच में लाकर नहीं। और यह सब तभी मुमकिन है जब हमारी रियाया हमारा साथ दे। और उसके लिए हमें पांच बातों पर अमल करना होगा। एक, पूरी रियासत में फैली मरकजी हुकूमत। दो, सूबों का अलग अलग इंतजाम। तीन, ओहदेदार सरकारी अफसर और हिसाब किताब करने वालों का सही इंतखाब। चार, ऐसा कानून जिस पर सारी रियासत में अमल हो। और पांच, और जो सबसे अहम है, हाकिम और रईयत के बीच से तमाम जागीरदारों, पालेगारों को हटा देना, ताकि किसान महसूल सरकार को बराए रास्त अदा कर सके। मुगलों ने भी इस तरह से हुकूमत चलाने की कोशिश की थी, मगर अब वो सिलसिला ही खत्म हो गया है। मुरडेश्वर की कृपा से आपका मंसूबा जरूर कामयाब होगा। हुजूर, हम हल्फ उठाते हैं कि आखिरी सांस तक हम आपके और मैसूर के वफादार रहेंगे। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान जिंदाबाद। मैसूर के हाकिम के लिए जरूरी है कि मुगल शहनशाह से हुकूमत की इजाजत लें, मगर हम ऐसा फरमान शाह आलम से नहीं लेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों के वजीफेदार हैं और हम अंग्रेजों का इस मुल्क में वजूद कबूलने को तैयार नहीं। हुजूर, मुगल बादशाह का फरमान नहीं होगा तो मैसूर पर आपकी हुकूमत को जायज नहीं माना जाएगा। और अगर हम तुर्की से खलीफा इस्लाम सुल्तान उस्मान अली का फरमान मंगवाएं तो किसी को एतराज होगा? जी नहीं, मगर गुलाम अली, आप खलीफा के दरबार में जाएंगे और वहां से आप फ्रांस के बादशाह लुई 16वीं को हमारा पैगाम पहुंचाएंगे। जो हुक्म। हम चाहते हैं फ्रांस से हमारा जंगी माहिदा हो और उनके तिजारती जहाज और कारीगर हिंदुस्तान आए, खास तौर से तोपें बंदूकें ढालने वाले कारीगर। हुक्म की तामील होगी। नाना साहेब, मैं तो कहता हूं हमें टीपू सुल्तान की बात मान लेनी चाहिए। महाजी, समय यह देखने का नहीं कि हमें टीपू की बात इसलिए मान लेनी चाहिए क्योंकि वो आदमी आपको भला लगता है, या इसलिए कि वो आदर्शवादी है, देशभक्त है। हमें बस ये देखना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू का साथ देने में मराठों का फायदा है या नुकसान। खुद टीपू हमसे इसलिए समझौता नहीं चाहता कि उसे मराठों से हमदर्दी है, बल्कि इसलिए अंग्रेजों से उसकी दुश्मनी है। लेकिन अंग्रेजों से दोस्ती करके हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला है, यह भी आप जान लीजिए। टीपू चाहे जैसा हो, है तो हिंदुस्तानी। सात समंदर पार से तो राज नहीं चला था वो। तुम्हारे विचार में
टीपू से समझौता करके हमें वो इलाका वापस मिलेगा जिस पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया था? मैं ये तो नहीं कह सकता, आप चाहें तो टीपू से बात कर लीजिए। मैं कह सकता हूं मराठों को वे इलाके टीपू से नहीं अंग्रेजों के जरिए वापस मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये समझौता नहीं होगा? नहीं। मेरे सादिक, हुजूर, क्या तुमने वोल्टेयर की किताब का तर्जुमा करवाया है? हो रहा है हुजूर। अब फ्रांसीसियों को इतनी फारसी नहीं आती और हमारे मुंशी की फ्रांसीसी तो बस नदारद ही है। हुजूर, थोड़ी देर के लिए आप इन किताबों की बातों को छोड़ दें। आप पालेगारों की बगावत को क्या करेंगे? कुचल देंगे, और क्या करेंगे? जमींदारियां खत्म करके आपसे भूल हुई है हुजूर, इसीलिए पालेगार भड़क रहे हैं। क्योंकि अब तक वो अपनी मनमानी कर सकते थे और अब हर महीने उन्हें बंदी तनख्वाह मिलती है। हुजूर, वैसे ही कौन सी बाहरी दुश्मनों की कमी थी देश के लिए जो आप अपनी नीतियों के कारण अंदरूनी दुश्मन भी खड़े कर रहे हैं? हुजूर, फ्रांस से आए कारीगर और जनाब दुबोक हाजिर हैं। मिस्टर दुबोक, फ्रांस के बादशाह का क्या पैगाम है? बादशाह लुई को अफसोस है कि मुल्क में छाई अफरा तफरी की वजह से वो आपकी जंगी मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने आपकी खातिर में इन इंजीनियर और कारीगर को भेजा है। इनका सफर कैसे रहा? सफर तो वैसे ठीक रहा, लेकिन पौंडेचेरी पहुंचते ही इन्हें पता चला कि बादशाह का तख्ता फ्रांस के नागरिकों ने उलटकर जमहूरियत का ऐलान किया है। अब ये सब जमहूरियत के हिमायती बन गए। अमेरिकन गणतंत्र की तरह? जी हजूर, इन सब ने मिलकर एक इनकलाबी अंजुमन कायम की है, जकोबन अंजुमन, और वो आपको उसमें शामिल करना चाहते हैं। मर्सी बेकू। जनाब दिव्युक, ये अमेरिकन गणतंत्र की तरह कैन का संविधान है? नहीं हुजूर, अभी तक संविधान नहीं बना, लेकिन एक इंसानी हक का दस्तावेज तैयार किया गया है। मर्सी बेकू। मेरे साजिद, इसका भी फारसी में तर्जुमा करवाओ। लेकिन हुजूर, बगैर बादशाह के हुकूमत कैसे मुमकिन है? हर मुल्क का बादशाह होता है, यहां तक कि अंग्रेजों का भी अपना बादशाह है। पुरनैया, अंग्रेजों का बादशाह असली हाकिम नहीं है, फिर इतनी दूर क्यों जाएं? अफगानिस्तान में भी कबीलों के सरदार आपस में मिलकर फैसले करते हैं, उनका बादशाह खिलाफ होता है तो उसे हटाया जाता है। लेकिन हुजूर, फ्रांस ने तो पूरी तरह से बादशाह को निकाल दिया, तो फिर राज कौन करेगा? क्या हमारे यहां गांव में पंचायत नहीं होती जहां लोग मिलकर फैसले करते हैं? गांव बहुत छोटी सी चीज है हुजूर। पुरनैया, हाँ, अफगानिस्तान से एक बात हमें सूझी, क्यों ना हम बादशाह जमान शाह से अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगे। अहमद शाह अब्दाली भी तो आए थे। हुजूर, पहले आप पेशवा और निजाम को अपनी तरफ कीजिए, अफगानिस्तान बहुत दूर की बात है। क्या महाजी शिंदे हमसे मिलने को तैयार हैं? क्यों नहीं, मुलाकात का इंतजाम करवाया जा सकता है। ठीक है। मिस्टर दिव्युक, हमें थॉमस पेन के बारे में कुछ बताइए। थॉमस पेन? बेशक, उनका फलसफा आपके फलसफे से काफी बड़ा। तो आप हमसे मिलना चाहते थे? जी, इसलिए कि आपने जो हमारे खत या हमारे दूत पर भरोसा नहीं किया, शायद हमारी जबान पर कर लें। तो टीपू सुल्तान बहादुर क्या कहना चाहते हैं हमसे? वही जो बार बार कह चुके हैं राव साहब, कि आप अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान रहे हैं। अंग्रेज जो तिजारत करने आए थे, मालिक बनकर बैठना चाहते हैं राव साहब। मुगल बादशाह की पहुंच लाल किले तक ही रह गई है, बंगाल का नवाब खत्म हो गया है, अवध का नवाब लड़खड़ा रहा है, निजाम अंग्रेजों की कठपुतली बन गया है, वो हमें टुकड़े टुकड़े करके मार रहे हैं और आपको एहसास तक नहीं। हमारे और आपके अलावा हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता राव साहब। सुल्तान, अगर आप हमारा इलाका वापस कर दें और निजामुल मुल्क आपका साथ देने को तैयार हो जाएं,
तो हम भी आपका साथ दे देंगे। बाकी बातें जाने दीजिए, निजामुल मुल्क एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान की हैसियत से वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम एक रवादारी और भाईचारे का मजहब है। हमारी तरफ से दरख्वास्त कीजिए कि निजामुल मुल्क हमारी रहनुमाई करें, हम किस तरह उन लोगों की जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत करें जो हिंदुस्तान के मुसलमान हाकिमों के भरोसे जिंदा हैं। ये तभी मुमकिन है जब आपस में इतिहाद हो। गुस्ताखी माफ हजूर, निजाम आप पर भरोसा नहीं करते। हम उनके घर में हमारी बेटी देने को तैयार हैं। ये कैसे मुमकिन है हजूर, आपके वालिद एक मामूली सिपाही थे। वो अपने बलबूते पर ही मैसूर के नाजिम बने। शाही खानदान अपने आप पैदा नहीं होते, उन्हें कोई ना कोई लायक इंसान कायम करता है। पिछले 10 साल से कितनी कोशिश की कि हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी ताकतों की मदद से अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकालूं, मगर नाकामयाब रहा। मजबूरन कॉर्नवालिस से लड़ाई करनी पड़ी और अब कॉर्नवालिस की फौजें चारों तरफ से महल को घेरे हुए हैं और वो घुटने टेकने और नाक रगड़ने की मांग कर रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलहनामे का जो मसौदा भेजा है सुल्तान अली के हुक्म से सबके सामने पढ़ा जाता है। तमाम हजरात खामोशी और ध्यान से सुने। पहली शर्त, सुल्तान टीपू सुल्तान बहादुर अपनी आधी सल्तनत जिसकी सरहदें कंपनी बहादुर मराठों के पेशवा और निजाम दक्कन की सरहदों से मिली हैं उनके हवाले कर दें। दूसरी शर्त, सुल्तान टीपू सुल्तान बहादुर 3 करोड़ रुपया हरजाना के तौर पर अदा करेंगे और 30 लाख रुपया दरबार के खर्च के तौर पर अदा करेंगे। इस रकम में से 65 लाख रुपया अभी अदा किया जाएगा, बाकी रकम हर 4 महीने के बाद 3 किस्तों में दी जाएगी। तीसरी शर्त, पढ़ो। तीसरी शर्त, सुल्तान टीपू सुल्तान बहादुर के 2 बेटे अंग्रेजों के पास बतौर जमानत रहेंगे ताकि सुल्तान फिर हमला न कर सके। चौथी शर्त, सुल्तान की कैद में जितने भी जंगी कैदी हैं उन्हें फौरन आजाद किया जाएगा। मुसलमानों तुम्हें कुरान पाक की कसम और हिंदुओं तुम्हें श्रीरंगा की सौगंध, सच सच बताओ मुझे अब करना क्या है? सर पर पगड़ियों की जगह कफन लपेट कर एक आखिरी मुकाबला या तुम सबकी बहादुरी वफादारी और आबरू का सौदा? बोलो क्या मंजूर है? हुजूर, हुजूर हमारे पास काफी दिन हैं, हम अंग्रेजों की फौजों को रोक सकते हैं। हुजूर हमारे पास काफी रसद है और उनका रसद बाहर से आता है, हम उनके रसद के कारवानों पर छापे मारकर उनकी रसद बंद कर सकते हैं। इस तरह से वो मैदान छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन हुजूर इतने कम अरसे में अगर हम तैयारी नहीं कर पाए तो आम रियाया बिलावजा मारी जाएगी, हम उन लोगों की जानों की कुर्बानी क्यों मांगे? फौज की हिम्मत टूट चुकी है, अब कामयाबी बहुत मुश्किल है सुल्तान। हालात का तकाजा यही है कि लाट साहब की शर्तें मंजूर कर ली जाएं।
जो गुलाम अली और पुरनैया कह रहे हैं आप सबको मंजूर है या मीर सादिक की तजवीज को आप सही समझते हैं? ठीक है, खुद बांधने दो बेगम, खुद बांधने दो। नाचे ने अपने आप कपड़े पहनने होंगे, लॉर्ड के साथ रहकर अंग्रेजी पतलून भी पहनना सीख जाएंगे। हुजूर, इन मासूम बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? हुजूर हैदर को भेज दे, वो जवान है, अच्छा बुरा समझता है। फतेह हैदर मैसूर में है फौज संभाले हुए, वो जा नहीं सकता। रहम कीजिए हम पे सुल्तान, रहम कीजिए। बेगम, काश हम भी आपकी तरह रो सकते। हमारी बेइज्जती, बेबसी और हार पर हम भी रोना चाहते हैं, मगर हमारी तकदीर आंसू से नहीं तलवार से बदल सकती है। मोइनुद्दीन, बेटे खलीफ, आओ मेरे पास आओ, आओ। रोना नहीं, याद है ना, ताकीद से खत भेजना है, और मैं आप लोगों के लिए किताबें भेजूंगा, हैं? और शैतानी नहीं करना, समझे? हैं? आंसू पोछो, पोछो आंसू। मेरे शेर बच्चे। गुलाम अली, चुप चुप ये भाई, ये संभालिए। अंग्रेजी लोग से कहना कि आज से वही इनके मां और बाप है। साहब, ये दो मासूम बच्चे अपनी तकदीर से मजबूर होकर मां की ममता और बाप के साहे से दूर हो गए हैं, आपके दामन में पनाह के लिए आए हैं। Rest assured, Ghulam Ali, the children will be treated as our honored guests and not as prisoners. यार साहब, सुल्तान ने कहा है कि ये हम आपको दे दें। Please give a copy each to the envoys of the Nizam and the Marathas. ये समझौता हमें पूछ कर तो तैयार नहीं किया गया था। आपके मालिक लाट साहब खुश है तो आपको किस बात की शिकायत है? Come here, boy. The son of the tiger is also a tiger. हुजूर, अंग्रेजों को हर जाने की रकम इतनी देनी है कि मालगुजारी की दरें आप किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम कर्जे का रुपया सूद लेकर रकम जमा करेंगे। आपने जो जमींदारियां खत्म की हैं, कैसे जमींदार किसानों को और भड़का रहे हैं। पुरनैया, अब हम इस मामले के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते। गुलाम अली, अफगानिस्तान से जमानशाह की कोई खबर नहीं आई। काबुल से पंजाब के लिए उन्होंने फौजें तो भेजी थी, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि पंजाब के सिख मिस्र अफगानों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हम भी किसके भरोसे बैठे थे, अब बस फ्रांसीसी ही हमारी मदद कर सकते हैं। दीपक को हमारा पैगाम लेकर नेपोलियन के पास गए कई महीने हो गए। जवाब वो अपने साथ ला रहा है। मॉरिशस के गवर्नर के भेजे हुए सिपाही भी मंगलूर पहुंच गए हैं। हुजूर, फ्रांसीसियों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वो लोग अंग्रेजों से कुछ अलग तो है नहीं, वो भी मंडियों पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं बस। पुरनैया, क्या तुम जानते हो कि खलीफा तुर्की की भी यही राय है? लिखते हैं फ्रांसीसी देहरिये हैं, मजहब के दुश्मन हैं, उन्होंने एक नया मजहब कायम किया है आजादी के नाम पर। हुजूर, पूना से खबर आई है कि महाजी शिंदे को जहर देकर मार दिया गया है।
खुदा उनकी रूह को मगफरत दे। बस वो एक ही तो थे जो हमारा साथ दे सकते थे। जरूर इसके पीछे अंग्रेजों की साजिश है। हुजूर, मिस्टर दीपक, कैसे हैं आप? हुजूर की दुआ है। हुजूर, मॉरिशस से सिपाही आ गए हैं, उनका कप्तान आपके सामने हाजिर होना चाहता है। कितने आदमी हैं? कुल मिलाकर कुछ 200 आदमी होंगे। 200 आदमी? मगर हमसे कहा गया था कि पूरी फौज आ रही है। हुजूर, मुझको पूरा शक है कि अंग्रेजों के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेसली ने मॉरिशस के गवर्नर को तगड़ी रिश्वत खिलाई है। हम जो भी सोचते हैं अंग्रेज उससे फायदा उठाते हैं, नतीजा उल्टा निकलता है। क्या हम रेत की दीवार खड़ी कर रहे हैं? लेकिन हुजूर, नेपोलियन ने आपके नाम खत भेजा है, इजाजत हो? हाँ पढ़ो मिस्टर दीपक, पढ़ो, शायद इसमें अच्छी खबर हो। हुजूर, बेहतरीन दोस्त और अजीम सुल्तान हजरत टीपू सुल्तान बहादुर को नेपोलियन बोनापार्ट का सलाम पहुंचे। अजीज दोस्त, आपको शायद पहले ही इतला दी जा चुकी है कि हम एक बड़ी और बहादुर फौज के साथ लाल सागर के इलाके में पहुंचने वाले हैं, ताकि आपको और आपके वतन वालों को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया जा सके। इंशाल्लाह। रिस्पेक्टेड फ्रेंड, As you have already been informed, I am soon going to arrive with a large and powerful army in the vicinity of the Red Sea. This in order to liberate you and your countrymen from the tyranny of the English. So, we now have a valid excuse for crushing Tipu. But we must do so before Napoleon's forces can join up with Tipu's army. But sir, Napoleon was defeated by our forces in Egypt. Oh, only you know that. I have not received the news as yet. And by the time Tipu hears about it, we will have wiped him out. Do you think that Nizam and Peshawar will help us? It's true that Peshawar is upset with us. But the Marathas are in no mood to fight Tipu just now. The Nizam, of course, has no option but to join us. Since he has no army of his own and has to pay us to maintain one for him, his army will do as we command. Should we try and hire some of Tipu's nobles on our side? Do you know the ones who can be trusted? Mir Sadek and Purnaya are the most influential of his nobles. Good. Good. Get someone to contact them immediately. Are we going to attack Tipu from Madras? No. No, not yet. First, send Tipu a letter. A letter of warning. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्रांस के साथ आपकी दोस्ती हमारे साथ दुश्मनी के बराबर है। निहायत अफसोस की बात है कि आप उन बेदीन फ्रांसीसियों का साथ दे रहे हैं। अगर आपकी रियाया को यह मालूम हो जाए कि आपकी वजह से उनका मजहब खतरे में है, जिसकी हिफाजत का दावा सुल्तान और आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पुरनैया। एक तरफ इन्हें हमारी रियाया और उसके मजहब की इतनी फिक्र है और दूसरी तरफ मद्रास की फौज को मैसूर पर चढ़ाई का हुक्म मिल चुका है। इस खत का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, जवाब हम मैदान जंग में देंगे। इसके बाद अंग्रेज कभी हमारे सामने सिर उठाकर ना देख पाएंगे या फिर हमारा सिर खाक में मिल चुका होगा। हुजूर, बेहतर होगा कि आप जवाब दें। पुरनैया, गीदड़ की तरह 100 साल जीने से शेर की तरह एक ही दिन जीना बेहतर है। लेकिन हुजूर, हमारे बहुत से किलेदार अंग्रेज लोग खरीद चुके हैं। हाँ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैंने मीर साजे को भेजा है कि उनको पकड़ कर लाएं। हुजूर, ये उन सरदारों को सबक सिखाने का वक्त नहीं है, बेहतर होगा कि आप उन्हें माफ कर दें। हुजूर, आने वाली लड़ाई में हमें इत्तेहाद दिखाने की जरूरत है। इस तरह फूट पड़ने से तो अच्छा होगा कि आप अंग्रेजों के साथ सुलह कर लें। रंजन ले आए ने चढ़ा नमक खराम। हुजूर, ले आए उन नमक खरामों को, इन गद्दारों को सूली पर चढ़ा दीजिए।
आप सब लोग कितने छोटे दिल के निकले, थोड़ा सा सोना देख लिया और नमक हरामी पर उतर आए। हमें माफ कीजिए हुजूर। हुजूर, माफ कर दीजिए इन्हें, हमें इनकी जंग में जरूरत पड़ेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर बिना लड़े ही इन्होंने हमारे दुर्ग अंग्रेजों के हवाले कर दिए तो? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ये लोग मीर सादिक। ये आप कैसे जानते हैं? मुझे लगता है आप भी इन्हीं के साथ हैं। मीर सादिक, आप इस तरह के बेहूदा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। क्यों परनैया, क्या अंग्रेजों के एजेंट तुम्हारे घर पर नहीं आए थे सोने की थैलियां लेकर? पूछो जरूर इनसे। परनैया, क्या ये सच है? हुजूर, आप सोच सकते हैं कि मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा? हां, मीर सादिक की बकवास मैं सुन सकता हूं, लेकिन अगर हुजूर भी मुझ पर शक कर रहे हैं, अगर अंग्रेजों ने आपको खरीदने की कोशिश की तो यह गलती उनकी है। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि इनके दिल में चोर है हुजूर। पुरनैया, पुरनैया, सच क्या है? हुजूर, अगर मेरे लिए आपके दिल में शक बैठ चुका है तो मेरा यहां रुकना मुनासिब नहीं होगा। मुझे जाने की इजाजत दें हुजूर। पुरनैया, जाने दीजिए हुजूर, थोड़े दिनों बाद अपने आप अकल आ जाएगी। Cornwallis will be pleased to grant you Ajagir if you join us. Thank you. Listen, किले के पीछे की दीवार बहुत कमजोर है, तुम अपनी तोपों का निशाना उसी तरफ लगाना, और हाँ, हमले के लिए सुबह सुबह का वक्त एकदम ठीक रहेगा। बिस्मिल्लाह। हुजूर, हमला शुरू हो गया है, किले की दीवार गिराकर फिरंगी अंदर घुसाए हैं, कमांडर सैयद गफ्फार मारे गए हुजूर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन। की जय।
Rear rank, advance. Kneel. Aim. Fire. Follow me. Charge. मीर नदीम दरवाजा खोलो। मीर नदीम फायर। मीर नदीम दरवाजा खोलो। मीर नदीम फायर। दरवाजा खोलो। मीर नदीम फायर। मीर नदीम दरवाजा खोलो। मीर नदीम दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल गद्दार। मीर नदीम दरवाजा खोल गद्दार। कहीं के खोल दरवाजा। If we meet another adversary like Tipu again, sir. This battle will serve as a warning to other Indian rulers not to invite other powers to try and drive us out of India. They will now realize that the East India Company is the supreme power in India.
But sir, every country wants to be independent. No. It is the manifest destiny of the natives of India to prosper under the benign rule of the British, rather than under some corrupt Oriental despot. मैसूर के टीपू सुल्तान को आखिरकार 1799 में अंग्रेजों ने शिकस्त दी तो मैदान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर और मराठा संगठन के आखिरी मुकाबले के लिए साफ हो गया मगर मराठा सरदारों में आपसी रंजिश थी लिहाजा वो बंटकर अंग्रेजों से लड़े और एक एक करके हराए भी गए 1818 तक मराठा संगठन को पूरी तरह हार माननी पड़ी और मध्य भारत के मराठा सरदार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए अब अंग्रेज हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से के मालिक बन बैठे हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर जिसके बल पर तेजोमय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर